everyone, welcome back to my channel Vogue Trends. This is Anuja and wish you all a very happy Dashera to all of you. So in today's videos I am going to show you a Nykaa haul, the products which I recently bought from Nykaa last week. So without any delay, let's get started. So friends, ye sare products maine buy kiye the last week Nykaa se. So देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स मैंने बाय किए. तो सबसे नंबर वन पे मैंने जो बाय किया था वो नायका का ब्लैक मैजिक लिक्विड लाइनर बाय किया था, जो इस तरह की पैकेजिंग में आता है. और 01 सुपर ब्लैक शेड नंबर है ये, जो कि प्योर मैट फॉर्म में है, शिमर फॉर्म में नहीं है ये. और यही मैंने अप्लाई किया हुआ है अपनी आइज़ के ऊपर. तो डेमो के लिए आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही प्रिटी सा लगता है ये लगने के बाद लाइनर. सो ये वाटर रेजिस्टेंस है, स्मच प्रूफ है और अप टू 10 आवर्स स्टे है इसका. और जिसके MRP है वो 299 रुपीज़ है. 5 ml क्वान्टिटी के साथ ही आता है. और देख लेते हैं इसका कंटेंट अंदर कैसा है. इस तरह का आता है ये ब्लैक कलर की बॉटल में. बहुत ही थिन सा इसका ब्रश है, जो एप्लीकेशन इसका बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है. तो सेकेंड नंबर पे जो मैंने बाय किया था वो मेबलिन न्यूयॉर्क का वी फेस ड्यूअल स्टिक कंटूरिंग स्टिक है ये बेसिकली. और ये ड्यूअल कलर में आता है, वन इज़ लाइटर शेड एंड अनदर वन इज़ डार्कर शेड. सो कंटूरिंग करने के लिए मैंने ये वाली किट बाय की थी. तो ये वाली जो स्टिक है वो इस तरह की आती है, वी फेस ड्यूअल स्टिक नाम है इसका. दिस वन इज़ लाइटर शेड एंड दिस वन इज डार्कर शेड. सो कंटूरिंग करने में हेल्प बहुत ही ईजी रहती है ये स्टिक, तो इसलिए मैंने ये बाई की थी. और इसकी जो कंटेंट की क्वान्टिटी है वो 8 ग्राम क्वान्टिटी के साथ आता है. मैनुफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट यहाँ पर मैंशन है. और 670 की MRP यहाँ पर मैंशन है. सो 02 मीडियम शेड है ये. इसमें 3 कलर्स अवेलेबल होते हैं, 1, 2 एंड 3, एंड दिस वन इज 02 मीडियम. सो थर्ड नंबर पे जो मैंने बाय की थी वो इंस्टा ग्लो हाइलाइटिंग स्टिक बाय की थी स्विस ब्यूटी की. तो जो इसकी जो MRP है वो 449 रुपीज़ है. और बेसिकली लॉन्ग वेयरिंग है ये, ऑयल फ्री है और ईज़ली ब्लेंड हो जाता है. आप अगर ब्लशर की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं, एज ए बेसिकली हाइलाइटिंग किट है ये, और एज ए ब्लशर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं. तो देख लेते हैं कैसा है इसका कंटेंट अंदर. तो इस तरह का आता है ये, लाइट पिंक शेड है ये, 03 शेड नंबर. तो इसका रिव्यू और एंड डेमो मैं आपको जल्दी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ. तो ये इसके साथ इसका ब्लेंड करने के लिए दिया हुआ है पीछे, तो ऐसा आता है ये. फोर्थ नंबर पे जो मैंने बाय किया था वो मेबलिन न्यूयॉर्क का मास्टर क्रोम बाय फेस स्टूडियो हाइलाइटर. ये भी हाइलाइटर मैंने बाय किया था, इल्यूमिनेट बेसिकली इल्यूमिनेटर प्लस हाइलाइटर है ये. और गोल्डन मोल्टन गोल्डन शेड है ये. तो इसके भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं. और 6.7 ग्राम क्वांटिटी के साथ ये आता है. और मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट यहाँ पे मेंशन है. और 550 इसके MRP है. फिफ्थ नंबर पे जो मैंने बाय किया था वो निका के न्यूयॉर्क 9 परफेक्ट 9 कलर्स आई शेडो पैलेट बाय की थी मैंने. और
उसमें 9 कलर्स अवेलेबल हैं. दिस वन इज ब्लशर एंड द अदर 8 वंस आर आई शेडो. सो बहुत ही प्रिटी से शेड्स हैं इसके, और गोल्डन ब्लैक एंड पिंक शेड में अवेलेबल हैं ये कलर्स. सो इसका रिव्यू एंड डेमो जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. और इसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पे मेंशन है, और 14.1 ग्राम क्वांटिटी के साथ ये आता है. और इसकी जो MRP है वो 550 MRP है इसकी, और बहुत ही प्रिटी से शेड्स हैं इसके अवेलेबल. तो मैंने सोचा था ट्राई करने के लिए ये वाली किट मंगाते हैं, तो फिर इसलिए मैंने ये परचेज़ की थी. तो जो 6 नंबर पे मैंने बाई किया था वो एट्यूड आई ड्राइंग आईब्रो पेंसिल मैंने बाई की थी. तो ये वाली जो पेंसिल है वो इस तरह की आती है, और डार्क ग्रे शेड है ये, और इस तरह का आता है ये. तो इससे आपको बहुत हेल्प होगी आपके आईब्रो को शेप करने के लिए, करने में हेल्प होती है इससे. तो ये वाली भी मैंने ट्राई करने के लिए बाई की थी. बेसिकली इसकी MRP 299 रुपीज़ है, और सॉफ्ट है ये यूज़ करने में, मतलब आपकी ये आईब्रो अच्छे से शेप हो सकती है इससे. तो इसका भी रिव्यू एंड डेमो मैं आपको जल्दी ही शेयर करूँगी आप लोगों के साथ. तो और जो मैंने बाई किया था वो फ्रेंड्स वेगा का नेल फाइलर बाई किया था, जो बेसिकली नेल क्यूटिकल के साथ ट्रिमर के साथ आता है, और दूसरी साइड में इसका फाइलर दिया हुआ है. तो इसकी जो MRP है वो 120 रुपीज़ है. तो ये भी मैंने बाई किया था. तो इसके अलावा मैंने जो बाई की थी वो नेल पेंट्स बाई की थी, जो स्विस ब्यूटी की तरफ से हैं, और ये मैंने अप्लाई भी की हुई है अपने नेल्स पे, तो आप लोग देख सकते हैं. और जो ये वाली नेल पेंट्स हैं ये काफ़ी ग्लिटरी हैं, और बहुत ही ज़्यादा ग्लैम लुक देती हैं आपके नेल्स को. तो और ये वाली जो नेल पेंट है इसमें मल्टी कलर्स के स्पार्कल्स हैं, और जो ये वाली है ये सी ग्रीन शेड है, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो इसलिए मैंने बाई किया था ये. और इसके अलावा ये वाली जो नेल पेंट है इसमें वाइट एंड ब्लैक कलर के स्पार्कल्स दिए हुए हैं, और ये तीनों जो नेल पेंट्स हैं ये 100 रुपीज़ ईच हैं. तो ये वाली नेल पेंट्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और इसलिए मैंने बाई की थी ये. तो ये था फ्रेंड्स आज की वीडियो में जो प्रोडक्ट्स मैंने बाई किए थे नाइका से रिसेंटली. सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ प्रेस द बेल बटन सो दैट यू विल गेट द फर्दर नोटिफिकेशंस फॉर माय वीडियोस. सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.